हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैरा एंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइस, हम लोनावला में हैं। अब जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये पावना लेक है। सो गाइस, हम पावना लेक में फ़िशिंग करने के लिए आए हुए हैं। एंड यहाँ पे हम बेट फीडर का जो फिशिंग का सिस्टम होता है वो हम यूज़ करके बेट फिशिंग करने की कोशिश कर रहे थे। उसका काफ़ी अच्छा फुटेज मिला है, प्लस हमने कैच एंड कुक की कोशिश की यहाँ पे, एंड उसका भी काफ़ी अच्छा फुटेज है। आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ वो फुटेज। आई होप आपको अच्छा लगेगा हमारा फुटेज एंड हमारा एफर्ट। सो अगर आपको अच्छा लगे, कुछ सीखने के लिए मिले इस वीडियो में गाइज, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। अगर आप हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं आपके, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड स्क्रीन पे भी आ रहा है। सो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें एंड आप हमसे कनेक्टेड रहें गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे मित्र हैं संतोष जी, जो यहाँ के लोकल एंगलर हैं, एंड वो एक सेटअप रेडी कर रहे हैं अभी, फीडर का सेटअप। सो संतोष जी, आप हमें बताइए एक सेटअप कैसा है, घर पे आपने बनाया है कि कहीं से परचेस किया हुआ है? नहीं सर, ये सब अपने घर पे ही बनाया हूँ। जरा दिखाइए हमको फीडर, दिखाइए। अपने पास फीडर है, ये भी आपने हाथ से बनाया हुआ है? घर पे बनाया है, ये हुक भी मैंने ऐसे घर पे हाथ से बांधी। अच्छा, ये सब मैंने घर पे ही बनाया है। इसको हम ये बनाया हुआ चारा लगेंगे। ओके, फीडर पे। फीडर पे उसके बाद इसको चपाती ऐसा गोल रोल काट के इसके ऊपर लगा के फेंक देंगे पानी में। ओके ओके ओके। अभी बनाने के लिए मैंने क्या क्या यूज किया है, गेहूँ का आटा है और ये अपना चावल, गेहूँ, जो दाल, ज्वारी, बाजरी सब रहते हैं ना, वो सब मिला के इसका एक आटा बनाया। अच्छा, उसके बाद में आपने ये सर मिलाया था, ये सामान थोड़ा मिक्स किया है मैंने इसके अंदर। ओके, अपना ब्रेड है वो। ओके, भी मिक्स किया हुआ है। अपने पास जो भी घर पे कुछ बचे हुए रहते हैं, दाल, दूध, उसका छोटा छोटा पीस रहता है, भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और कुछ ज़्यादा नहीं। और अपना सबसे अच्छा बेस्ट रिजल्ट देने वाला राइस पॉलिश, मतलब इसके अंदर राइस पॉलिश। अच्छा, राइस ब्रेन बोलते हैं इसको। हाँ, राइस ब्रेन। ओके, वो भी आपने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और सर, आपने कौन सी चटनी लाया था बता रहे थे आप? कलकत्ता चटनी। ये हमारे सऊद भाई। तो ये हमारे सऊद भाई है, ये इनका फर्स्ट ट्रिप है हमारे साथ। सो आई होप ये एंजॉय करेंगे ये ट्रिप। एंड इन्होंने कलकत्ता से कुछ चटनी मंगाई है। सो ये चटनी की किस लिए मंगाया आपने, इसका क्या काम होता है सर? ये फीडर जब तैयार हो जाता है ना, तो उसके बाद में वो फीडर के ऊपर एक कॉर्नर पे ना ये चटनी थोड़ा सा लगा देते हैं, तो ये अट्रैक्ट होती है। अच्छा, कलकत्ता में स्पेशली बनती है ये, चूटी के अंडे से और उससे सब लोग मिक्स करके बनाते हैं इसको। ओके, तो ये बहुत फेमस है रोहू कटला के शिकार। चलो आज ट्राई करेंगे आप लोग का कितना स्किल है, देखते हैं कुछ मछली खाती है कि नहीं इसको। आई होप खानी तो चाहिए।
सो गाइज बेस्ट ऑफ लक, आप लोग फटाफट सेटअप रेडी कीजिए, हम देखना चाहते हैं कि कुछ लगता है कि नहीं आप लोगों को आपके सेटअप पे। सो गाइज इस तरह से चपाती को रोल करके इन्होंने हुक में लगा दिया है, चारों हुक में चपाती को लगा दिया है। अभी इसको क्या फीडर का, अच्छा फीडर पे लगा रहे हैं ये, इसको बोलते हैं फिश अट्रैक्टेंट, इससे फिश अट्रैक्ट होती है, ये पानी में गिरता है तो ये डिजॉल्व होने लगता है, तो उसके पार्टिकल से जो अगल बगल में फिश होती है वो अट्रैक्ट होती है और उसके पास आती है, एंड क्योंकि उसको खाने के लिए वो मिलता नहीं, डिजॉल्व हो जाता है, तो जो उसको खाने के लिए मिलता है वो बचता है, वो चपाती जो रोल करके इन्होंने हुक में लगाया है वो चपाती को खाती है और हुकअप हो जाती है एंड हमारे पास आ जाती है। सो गाइज आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बेट को कास्ट किया हुआ है पानी में, एंड कास्ट करने के बाद रॉड को इस तरह से सेटअप करके हमने रख दिया है। इस तरह का जो बेट फीडर का सेटअप होता है उसमें जो हम रॉड को इस तरह से रखते हैं उसमें एक रिस्क होता है गाइज कि अगर आपका ड्रैग टाइट होगा तो मछली सीधा हुकअप होगी और आपका रॉड भी साथ में लेके चली जाएगी, इसके लिए हमें ड्रैग को काफ़ी लूज़ रखना पड़ता है, सो दैट जब भी वो मछली खींचेगी तो ड्रैग आपका आवाज़ करेगा, सो आपको रॉड को हाथ में लेना है, ड्रैग को टाइट करना है सो दैट मछली को आप स्ट्राइक देकर हुकअप कर सकें। सो आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरह से हम ड्रैग को एकदम ये रखते हैं, लूज ही रखते हैं, ये देखिए आप इस तरह से देखिए कितना लूज है एकदम ड्रैग। सो इस तरह का ड्रैग सेटअप करके रखना होता है ताकि मछली खींचे तो हमारा रॉड नहीं जाए, ड्रैग ही खाली आवाज़ करे तो और हम हुकअप कर दें स्ट्राइक मार के। बराबर मिक्स में होता है ना, तो एक अप देखा देखो बीच में देखो पत्थर में लाइन है ना, रुक जा दे रहा है वो खुशी रहेगा ना, अब नजदीक आ गया रहेगा मच्छी नजदीक ही आते जा रहे हैं मछली और नजदीक आ रहे हैं लेके हुक नहीं मारेगा सर नजदीक आ गया था कैमरा चालू है
उसी रह रहे हैं। फ्रेश वाटर फिशिंग सक्सेसफुल। हियर वी आर विद संतोष सर एंड वी कॉट अ मशीर। आ जाओ ये सर। अभी जस्ट बहुत टाइम से हम लोग ने ये रॉड आपने डाल के रखा था पानी के अंदर, तो अभी एक दो घंटे के बाद हम लोग ने वापस चेंज करके बाइट और उसमें जस्ट अभी कैच हो गया है मशीर। वेरी गुड वेरी गुड, सक्सेस हो गया, हमको मिल गया, वी आर रियली हैप्पी। या मैन, इट्स रियली ऑसम, ब्यूटीफुल कलर। इसका टेक्सचर कितना अच्छा है बॉडी के ऊपर, इसलिए मैंने इसको नीचे टच होने नहीं दिया सो दैट हमको एग्जैक्ट टेक्सचर इसका पता चले। देखिए बॉडी टेक्सचर कितना अच्छा है इसका। चलो अपना काम हो गया। आने दे उसको, देखते क्या है। बड़ा ये रोहू लग रहा है। उधर गया मसीरी है। आवाज भी नहीं आने दिया उसी। हाँ जगह पे ही खींच के रखा था उसने, टाइट करके रखा था। हाँ टाइट करके रखा था, तो मेरे लाइन को हाथ लगाया, झटका दे रहा था हाथ हल्का। समझ में आया मशीरी। ब्यूटीफुल अनदर मासिव। सो गाइस हम अभी लोनावला में हैं, यहाँ पे पावना लेक में हम फिशिंग एक्टिविटी के लिए अपने आए थे, एक शूट था हमारा एंड दैट इज़ गॉट ओवर। सो यहाँ पे जो स्पेस है, एक अच्छा लोकेशन है जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो ये जो प्लेस है गाइस, ये कैंपिंग का बहुत ही अच्छा सेटअप है यहाँ पे। ये हमारे मित्र हैं, फ्रेंड है, जिनके पास हमने स्टे किया था एंड वी रियली एंजॉयड इट। नाइट में भी स्टे किया हमने, हमको बहुत मज़ा आया इस जगह पे स्टे करके। तो इस जगह के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है भाई से हम बात करेंगे। अभी भाई हमको बताएंगे कि ये प्लेस का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, कैसे हमारे फ्रेंड्स जो हमारे व्यूवर्स हैं कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं एंड यहाँ पर फैमिली के साथ आ सकते हैं कि लाइक फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, कैसा सेटअप है आपका, लाइक जैसे पार्टी सेटअप भी हम देख रहे हैं। पार्टी सेटअप है, फैमिली कपल भी आ सकते हैं, लेडीज़ भी आ सकते हैं, इसी वो जिम्मेदारी हम लेते हैं, जो भी पास सिक्योरिटी का हम पूरा जिम्मेदारी लेते हैं। ओके, तो यो ये महालक्ष्मी कैंपिंग है, पावना पावना लेक पे महालक्ष्मी कैंपिंग। ये व्हाट आर द चार्जेस सर? 1200 रुपये पर पर्सन है। उसमें 4 बजे का चेकआउट है, चेक इन है, और सुबह 11 का चेकआउट है। ओके, शाम को 4 बजे चेक इन करना होता है एंड मॉर्निंग में सुबह 11 बजे का चेकआउट होता है। फुल नाइट का एक्टिविटी होती है यहाँ पे। हाँ, इसमें और क्या क्या एक्टिविटीज आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्या स्पेशलिटी है? 4 बजे आए तो आपको 5 बजे तक आपको चाय पकौड़े मिलते हैं, कांदा भजी। उसके बाद वेज नॉन वेज बारबेक्यू रहता है, 250 ग्राम रहता है वो। ओके, 10 बजे डिनर रहता है, वेज नॉन वेज वो अनलिमिटेड रहता है। और सुबह चाय पोहा, जैसे कि जो सेटअप लगा है ये सेटअप हम रखते हैं, कभी ऐसे डेकोरेट करते हैं, कभी म्यूजिक लगाते हैं, डीजे सिस्टम। ये आप हमारे रिक्वेस्ट पे देते हैं कि हर एक जितने भी आपके गेस्ट आते हैं सबके लिए होता है? नहीं, सबके लिए होता है। अच्छा, कॉमन है सब? हाँ, सबके कॉमन के लिए होता है, एक पार्टी एनवायरनमेंट बन जाता है। एंड गाइस मैं बता दूं, जो पावना लेक है इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस इन लोनावला। कभी भी आप चिल आउट करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप यहाँ पे आ सकते हैं
एंड प्लस फिशिंग करना चाहते हैं फ्रेश वाटर फिशिंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे आप आके इवन यू कैन ट्राई फॉर बेट फिशिंग बेट फिल्टर के थ्रू एंड यू कैन डू स्पिनिंग ऑल्सो फॉर मासिर एंड ऑल। आपको ऑलरेडी प्रायर परमिशन इनसे लेनी पड़ेगी, ही विल हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा रहा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है गाइज़ तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइज़। एंड हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।